बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके पहले तीन केसेस को डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास नेक्स्ट थ्री हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डिस्कस किया था, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का डिस्कस किया था, फिर इसी तरह हमने टेन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव को डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है कोसेकेंड इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव को, सेकेंड इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव को और कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स को हमने डिस्कस करना है कि कोसेकेंड इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इज इक्वल टू है -1 ओवर एक्स मॉड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स मॉड इनटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम पहले फोर्थ जो हमारे पास है कोसेकेंड इनवर्स एक्स, इस प्रूफ को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये प्रूफ है कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स मॉड इनटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ क्या होगा? प्रूफ, सबसे पहले हमने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको लेट करना है इक्वल टू y, लेट y इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x, कोसेकेंड इनवर्स x। फिर क्या करेंगे, ये जो इनवर्स फंक्शन है इसको दूसरे साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे कोसेकेंड y इक्वल टू x। फिर हम क्या करेंगे, वो साइड से विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी ओवर डी एक्स इन टू कोसेकेंड y इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इन टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास डेरिवेटिव जो इक्वल होता है माइनस का कोसेकेंट y कॉट y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे देखेंगे कोसेकेंट y का डेरिवेटिव जो होता है माइनस का कोसेकेंट y कॉट y और y का अगेन डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड में हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर, ये माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, -1 ओवर कोसेकेंड वाई, कोसेकेंड वाई कॉट वाई, कोसेकेंड वाई कॉट वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास जो कोसेकेंड वाई और कॉट वाई है, यहाँ से हमारे पास कॉट वाई या कॉट एक्स जो है यहाँ पे कॉट वाई है और ये कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कॉट एक्स की वैल्यू फाइंड किया हमने कि 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये बन जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का 1, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड से, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने ये कॉट वाई की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और अब हमारे पास दो केसेस हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है मॉड एक्स, एक्स मॉड है, तो यहाँ पे जो कोसेकेंड वाई क्या है हमारे पास, कोसेकेंड वाई इज इक्वल टू एक्स, कोसेकेंड वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोसेकेंड वाई इक्वल टू एक्स, व्हेन ये अगर हमारे पास ये केस अगर हमारे पास पॉजिटिव हो, सो इज पॉजिटिव, अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है कोसेकेंड वाई इक्वल टू एक्स, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो कॉट वाई है क्या है, कॉट वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट
कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का वन आ जाएगा। अगर हमारे पास ये केस नेगेटिव हो तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले केस के अंदर हमारे पास ये पॉजिटिव आ गया है और ये कोसिकेंट कोसिकेंट वाई, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर वाई माइनस का वन। अब ये कोसिकेंट वाई इक्वल टू तो एक्स के, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से बोथ साइड से स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, तो ये इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन। अब यहाँ से हमारे पास एक केस ये बनेगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर कोसिकेंट वाई, कोसिकेंट वाई इक्वल टू एक्स, कोसिकेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे कोसिकेंट वाई की जगह हम एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये एक्स आ जाएगा एन टू। अब ये काट वाई, काट वाई इक्वल टू, ये हमारे पास काट वाई की वैल्यू आई है, काट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास पहला केस था। दूसरा केस ये है कि अगर ये जो फंक्शन हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, कोसिकेंट वाई, कोसिकेंट वाई इज इक्वल टू एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव केस, अगर हमारे पास ये जो केस है नेगेटिव हो तो ये हमारे पास कॉट वाई, कॉट वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट कोसिकेंट स्क्वायर वाई माइनस का वन। यहाँ पे हमारे पास जब केस पॉजिटिव था तो ये हमारे पास कॉट वाई यहाँ पे पॉजिटिव था, तो अगर हमारे पास केस नेगेटिव है तो ये हमारे पास कॉट वाई जो है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कोसिकेंट वाई, कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, किसके इक्वल एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास केस वन से ये वैल्यू आई थी, अब दूसरा केस हमारे पास क्या बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा माइनस वन ओवर, माइनस वन ओवर, अब ये हमारे पास क्या है कॉट वाई की वैल्यू माइनस में है और कोसिकेंट वाई इक्वल टू किसके है एक्स के है, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर रूट और कॉट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों केस को, अब ये दूसरा केस वन क्या है, केस वन और केस टू को जब कंबाइन करेंगे कि ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये भी डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस वन ओवर एक्स इन टू ये आ गया, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव यहाँ पे एक्स नेगेटिव, और मार के हमारे पास कंडीशन यही होती है कि अगर हमारे पास एक्स एक दो पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन ये कि एक्स ग्रेटर देन वन हो, एक्स लेस देन वन हो, मीन माइनस वन के लेस देन हो तो हमारे पास ये एक्स मार आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर, तो केस वन और केस टू को जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स मार्ड, एक्स मार्ड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ था। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट जो प्रूफ है सेकेंड इनवर्स एक्स वाला, तो वो भी आप लोग इसी तरह करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसी तरह फिर कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल टू है, सिक्स प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ नंबर सिक्स कि डी ओवर डी एक्स इन टू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन ओवर वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे प्रूफ, लेट y इक्वल टू cot इनवर्स x, अब ये cot इनवर्स को दूसरे पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा cot y इक्वल टू x, डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड से d ओवर डी एक्स इन टू cot y इक्वल टू d ओवर डी एक्स इन टू x आ जाएगा। अब ये हमारे पास है cot y का डेरिवेटिव, cot y का डेरिवेटिव होता है माइनस का cosecant cosecant square y d y
y ओवर डी एक्स इक्वल टू वन। अब ये कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे सेट पे डिवाइड हो जाएगा डी y ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर कोसेकेंट स्क्वायर y। अब ये जो कोसेकेंट स्क्वायर y किसके इक्वल आ जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कोसेकेंट x की जगह वन प्लस कॉट स्क्वायर x लिख देंगे तो यहाँ पे क्या y है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे के माइनस वन ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर x आ जाएगा हमारे पास। अब ये कॉट x इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे y है तो यहाँ पे y ही लिखेंगे। अब ये कॉट y इक्वल टू एक्स के है तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रिक्वायर्ड प्रूफ है, हमने ये प्रूफ किया, ये आप लोग खुद करेंगे। जैसे हमने कोसेकेंट इनवर्स x को प्रूफ किया है तो सेम वैसे ही सेकेंट इनवर्स x का प्रूफ आएगा। और ये हमारे पास कॉट इनवर्स x का प्रूफ है, हमने प्रूफ किया कि कॉट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू है माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।